सेलेक्ट होके आए और विद्यालय को उन लोगों ने योगदान किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यह जो कमीशन से बहाली की जो प्रक्रिया शुरू हुई और इसके जो रास्ते जो खुले गए, वह हमारे स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे जी ने सदन में यह सवाल को उठाया था कि हम अगली बहाली जो करना चाहते हैं वह कमीशन के द्वारा हम लोग बहाली करना चाहते हैं, और सरकार ने भी सहज पूर्वक स्वीकार किया कि हम अगली बहाली करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देखते हुए तो हम कमीशन से बहाली करेंगे। यह तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का बिहार विधान परिषद में वक्तव्य था, उसके बाद एक रास्ते खुले। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, अभी आशीष जी बता रहे थे, आप लोग नए हैं, इन्हीं लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार विधान मंडल एक ऐसा मंच है जहां बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों होते हैं, और बिहार विधानसभा से सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है, उसमें हम सब लोग मतदाता होते हैं। जितने भी 12 करोड़ आबादी बिहार की है वो सारे लोग मत देते हैं, उनके द्वारा निर्वाचित होकर जो माननीय सदस्य जाते हैं, जो आम जनों की और अन्य जनों की समस्याओं को उठाते हैं। बिहार विधान परिषद मात्र 6 राज्य में ही बना हुआ है, उसमें एक हमारा राज्य है बिहार, जिसमें 75 माननीय सदस्य होते हैं, और 75 माननीय सदस्य का कैटेगरी अलग अलग होता है। कुछ लोग निकाय से जीत के आते हैं, कुछ लोग गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कुछ लोगों को राज्य सरकार मनोनीत करती है, कुछ ग्रेजुएट वाले लोग होते हैं जिसमें 6 संख्या होती है ग्रेजुएट वाले का, जिसमें जो लोग भी ग्रेजुएट किए रहते हैं वो लोग मत देते हैं अपना। और सबसे बड़ा आपके लिए होता है एक शिक्षक निर्वाचन होता है जिसमें 6 लोग को जीत के जाते हैं, और एक ऐसा बिहार विधान परिषद का मंच होता है जहां पे शिक्षकों की आवाज को उठाई जाती है, और वहां सरकार आपकी बातों को सुनती है। जब आपके रिप्रेजेंटेटिव सदस्य में बोलते हैं तो पूरे बिहार के शिक्षक उस मसले को देखते हैं, सुनते हैं, और सरकार उस बातों को मानने के लिए बाध्य होती है, और एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है लोगों, जिस लोगों के चलते कोई भी शिक्षक प्रतिनिधि जो है, आपका प्रतिनिधि जो होता है, वह सचिवालय में सीधे एंट्री करता है या किसी पदाधिकारी के पास सीधे जाता है और आपकी समस्याओं का निराकरण करा के आता है। यह काम हमारे पिताजी लगातार 20-30 वर्षों से करते आ रहे थे, उन्होंने ही बहुत सारी चीज आपके लिए स्वप्न उन्होंने देखा था, जो सारे सपनों को उन्होंने पूरा कराया। अभी एक साथी हमारे बोल रहे थे, संजय जी ने भी बताया कि हम 2007 से आए, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ 2007 से आए हैं, कोई साथी हमारे 2006 से आए हैं। तो जब यह नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया की जब शुरुआत हुई, तो हमने देखा कि उस समय सरकार ने जो पुरानी नियमित शिक्षा प्रणाली जो थी उसको सरकार ने खत्म कर दिया था, और यह 6000 और 5000 रुपए के मानदेय पे हम लोग बहाल होते आए थे। हमारे पिताजी ने उस समय भी ध्यानाकर्षण में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, और 2007 में सबसे पहले पटना उच्चतम न्यायालय में उनके नाम का एक मुकदमा दायर हुआ, जिसमें यह बातें तय हुई कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन लागू करो, और 2006 में जो यह मुकदमा दायर हुआ स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी वर्सेस राज्य सरकार, जिसमें हाईकोर्ट में हम लोग को जीत भी मिला। लेकिन सरकार तो सरकार होती है, बहुत सारी बात मानती है, बहुत बात मानती नहीं है। उस समय के दौर में हम लोग को 2015 में एक वेतन मान मिला, आप लोगों ने भी आंदोलन किया, पांडे जी का इतना मजबूत कंधा था कि वो कंधा बैठने वाला कंधा नहीं था जैसे आज कंधा बैठ रहा है, इतना मजबूत कंधा था कि उनकी मांग थी 9300 से 34500 दिलाने का, लेकिन सरकार अपना बीच का रास्ता निकाल लिया, और बीच का रास्ता निकाल के हम लोग को 5200 से 20200 पे ला के रख दिया। फिर भी उनकी लड़ाई रुकी नहीं, वो आपके लिए संघर्ष करते रहे, और 2020 पे मैडम अभी चर्चा कर रही थी कि हमने पांडे जी को छपरा के में आंदोलन में हमने सुना है, आप सब साथियों ने उनको सुना, उनकी लड़ाई को देखा, और 2020 में जहां हम लोग सब लोग कोरोना में अपने घर में बैठ गए थे,
उस वक्त भी 79 की आयु में स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी पटना की सड़कों पे जहां लोग अपने नौकर को हटा देते थे, दाई को काम करने से मना करते थे, बाहर में एक दूसरे से संपर्क नहीं करते थे, अखबार भी लोग नहीं पढ़ते थे, न्यूज और टीवी में चलता था कि आमिर स्वामी साहब को कोरोना हो गया, हम लोग को भी डर लगता था, 79 आयु थी और मैं ही उनका सारथी था क्योंकि ड्राइवर भी हमारे पास नहीं थे और मैं खुद गाड़ी ड्राइव करता था और उनको पटना की सड़कों पे लेके जाता था, कभी डायरेक्टर के यहाँ जाता था, कभी अपर मुख्य सचिव के यहाँ जाते थे, कभी मंत्री के यहाँ जाते थे, इसलिए हम लोग जाते थे कि सरकार की जो रवैया थी आपके प्रति वह बिल्कुल ठीक नहीं, सरकार समझौता के लिए तैयार नहीं थी, 90 दिन हो गया था वेतन नहीं मिल रहा था शिक्षकों का, मांग की बात तो दूर है, कोरोना के काल में ऐसी स्थिति हो गई थी कि दुकानें बंद हो गई थी, पैसा लोग खाते से नहीं निकाल पाते थे, सब्जी तक लोगों को खरीदना मुश्किल हो गया था, उस वक्त में अकेले एक शख्स थे जो जाके सरकार से समझौता कराए और एक दिन का भी वेतन किसी शिक्षक को कटने नहीं दिया और सबका वेतन उन्होंने भुगतान करवाया, और वहीं तक नहीं यह भी सरकार से लिखित लेके आए कि जब यह कोरोना का दौर खत्म होगा तो हमारी मांगों पर विचार आप कीजिएगा, और हमारी मांगों पर विचार हुआ, हमको सेवा सत नियमावली मिली, 15% का वेतन बढ़ोतरी हमको मिला, ईपीएफ की प्रोविजन हमको लागू हुई, तो यह थे स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि 2017 में एक प्लान उन्होंने बनवाया था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिड टर्म प्लान, उनका ही सपना था कि हम नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करना चाहते हैं। मैं जब चुनाव लड़ने आया तो हमने हर विद्यालय में कहा कि मैं आपको जब तक पंचायती राज व्यवस्था से, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता का यह स्वप्न रहा है कि नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया जाए, यह स्वप्न उन्होंने देखा था, किसके लिए देखा था, आपके लिए उन्होंने स्वप्न को देखा था, और हर पुत्र का यह दायित्व भी बनता है कि अपने पिता के जो अधूरे संकल्प है, उनके अधूरे सपने है, उन सपनों को पूरा कराना। हम भी लगे, हम लोगों ने लगा, तो आज एक परिणाम हमको मिला, यह परिणाम मिला कि आज हम लोग एक परीक्षा पास करके राज्यकर्मी की ओर मूव कर गए, अब हम लोग का संवर्ग बदल गया है, अभी तक हम लोग एक नियोजन इकाई में थे, आज हमारे संवर्ग को सरकार ने बदल दिया, और मैंने पहले भी कह दिया, मैं जब 30 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, मैंने उनको जाके भी कहा कि आपका विभाग का अफसर सर बड़ा गड़बड़ कर रहा है, 17 साल सेवा देने के बाद अब कह रहा है कि आप चल जाइए, अब कहां भेजेगा, जैसे मैडम आती है पटना से, अब मैडम को मान लीजिए कि छपरा के जगह हमें भेज दे भागलपुर, तो अब बताइए कि इनके परिवार के लोग जो है, बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, 10 साल 12 साल के हो गए हैं, कहां जाएंगे पढ़ने के लिए, अब भागलपुर में जाके कोई नया एस्टेब्लिशमेंट खोजेगा। मैंने जब मुख्यमंत्री महोदय को कहा, उसी वक्त मुख्यमंत्री महोदय ने के पाठक जी को बुलाया और बुला के उनको उन्होंने कहा कि बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है, और वही उनको निर्देश उन्होंने दिया कि इधर उधर ज्यादा मत करो, और मैंने जो कहा है मामूली परीक्षा लेने के लिए वह परीक्षा लो, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षाएं हुई, और मैंने टाइम्स ऑफ सुराज में संतोष जी को इंटरव्यू देने के क्रम में मैंने पहले ही कह दिया था, दिलीप जी को मैंने कहा, आप सब लोग फार्म भरिए, सब लोग पास कीजिएगा, और 80-90% लोगों का जो पहला जिला का विकल्प होगा वही जिला का विकल्प मिलेगा। मैंने इस बात की घोषणा उसी वक्त कर दिया था, और आज जब रिजल्ट आया है तो हमारे शिक्षकों ने देखा कि 97% रिजल्ट हुआ। अब जो 3% लोग शामिल नहीं हुए तो उनकी तो कोई गारंटी ले नहीं सकता है, 98% रिजल्ट, और मानिए कि 80% शिक्षकों को पहले जिला ही मिल गया। अब बताइए कि 100% तो जिला में भी नहीं हो पाता है, हमारी मांग थी कि आप सॉफ्टवेयर बना के सब लोगों को एक मंच पे आप ला दीजिए, आज जब हम लोग एक मंच पे आ रहे हैं और एक कैडर बन रहा है, चाहे वह TRE-1 हो, चाहे वह TRE-2 हो, चाहे हम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा के माध्यम से जा रहे हैं, अब हमारा कैडर एक बन गया है जिला संवर्ग, अब जिला संवर्ग में हम लोग को सारी सुविधाएं एक है,
सारी सुविधा हम लोग को एक मिलने जा रही है, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरी जो बात थी, जो सबसे बड़ी विवाद की बात थी, कि शिक्षकों की सेवा से उनको मुक्त नहीं किया जाए, हटाया नहीं जाए। कमेटी ने रिपोर्ट बना के दे दिया, ACS ने उस रिपोर्ट को तुरंत लागू कराने की बात के लिए सरकार को पहल कर दिया, रिकमेंड कर दिया। उस समय हम लोग जाके तुरंत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहे और मुख्यमंत्री ने उस पर भी नाराजगी जाहिर की और शिक्षा मंत्री ने तत्कालीन कहा कि यह कमेटी की रिपोर्ट को हम लोग खारिज करते हैं और किसी को सेवा से हटाया नहीं जाएगा। तो हमारा वह पक्ष भी मजबूत हो गया। हमारी जो सबसे पहली मांग थी कि हमको पंचायती व्यवस्था से अलग करो, जो आज हम लोग पंचायती व्यवस्था से अलग हो रहे हैं। दूसरी बात है कि हमको हमारे पहले जिला वाले ऑप्शन में पदस्थापित करो। दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए भी बता दे रहे हैं कि जैसे ही सारे नियोजित शिक्षक जब पदस्थापित हो जाएंगे और योगदान कर लेंगे और जिला कैडर बन जाएगा, उसके बाद सारे शिक्षक लोगों का विशेष रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। और जो मैडम हमारी पटना की हैं, उनको भी जाने का मौका मिलेगा, आप भी अपने पटना जिला में आप जा सकती हैं। तो यह विकल्प सबके लिए लाया जाएगा, क्योंकि यह अभी एक पोस्टिंग है, यह पोस्टिंग हो रहा है और पोस्टिंग के बाद में विशेष रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, क्योंकि हमारी जो सेवा शर्त नियमावली 2020 की बनी है, जिसको स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने बनवाया, उसमें वह प्रोविजन है, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन है। तो हम लोगों की लड़ाई आगे जारी भी रहेगी, जारी भी है।